चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर पूरी तरह से सख्ती की जा रही है। कोरोना से बचने का सही इलाज है वो है वैक्सीनेशन, उस पर हमने जोर दिया है। अब 7 के 7 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। 17 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करें। सुनिए मीडिया से रूबरू होते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा। कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और इससे बचने का जो सही इलाज है वो है वैक्सीनेशन, उस पर हमने जोर दिया है। पहले हम हफ्ते में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे मनाते थे, अब हमने कहा कि 7 के 7 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे हो और 45 साल से ऊपर जो भी हैं वो सब वैक्सीन उनको हम लगा रहे हैं। 17 लाख लोगों को अभी तक हम वैक्सीन लगा चुके हैं, जो कि हमारा आंकड़ा सारे देश में बहुत अच्छा है, और 60 लाख के करीब लोगों को हमने लगानी है। मैं तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि दे शुड कम आउट, वो लोगों को मोटिवेट करें कि वो जो जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है उस सेंटर तक उनको लेके जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाएं, और अगर हम करवा लेंगे सारे तो फिर इस बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकती है। नहीं, कोई किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। आप देखिए 17 लाख लोगों को लग चुका हरियाणा में, तो कोई ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। सर, कोई सख्ती या लॉकडाउन या फिर कुछ नाइट कर्फ्यू ऐसा कुछ विचार चल रहा है? नहीं, कुछ जो असेंबलीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाने पर हम विचार कर रहे हैं कि उसकी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।